हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज 14 मई 2020 और 14 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मीरकैट PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर ली है। तो अभी दक्षिण अफ्रीका ने मीरकैट PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दो प्रकार का होता है, यानी कि सैटेलाइट दो प्रकार का होता है, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दूसरा नेचुरल सैटेलाइट। अब ये दक्षिण अफ्रीका ने तस्वीर ली है, तो दक्षिण अफ्रीका मैप में देखते हैं। ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका, ये रहा जो आपका स्काई कलर का दिखाई दे रहा है, ये है दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल। तीन कैपिटल है दक्षिण अफ्रीका की, पहला प्रिटोरिया, दूसरा ब्लूमफोंटेन और तीसरा केपटाउन। क्या? पहला प्रिटोरिया, दूसरा ब्लूमफोंटेन, तीसरा केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी रैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट श्री रामाफोसा है। कौन है? श्रीराम फूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी। और मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो अभी तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात आती है तेलिया रुमाल, ये है तेलिया रुमाल और इसी को तेलंगाना में GI टैग मिला है। और ये केवल तीन रंग का होता है, पहला लाल, दूसरा काला और तीसरा सफ़ेद। और ये मिला है तेलंगाना में, तो तेलंगाना मैप में देखते हैं। ये है मैप में तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर तमिलसाई सुंदर राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस देश ने FITECHESS.COM ऑनलाइन नेशंस का कप जीता है? तो अभी चीन ने अमेरिका को हरा कर FITECHESS.COM ऑनलाइन नेशंस का कप जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चीन ने अमेरिका को हरा कर FITECHESS.COM ऑनलाइन नेशंस का खिताब जीता है। इस रैंक में चीन एक नंबर पे आ गया है और अमेरिका दो नंबर पे, यूरोप तीन नंबर पे और भारत पाँच नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप COVID-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो अभी ये 2020 में होने वाला था, लेकिन COVID-19 के कारण इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है फीफा की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे ज्ञानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है, ये है दीपा मलिक और इन्होंने ही अभी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो ये पहल भारतीय नौसेना की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात आती है भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? भारतीय नौसेना के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष
एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बात आती है अब एयरफोर्स की, एयरफोर्स की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 74 यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है WEF की, WEF की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पुरुष योजना शुरू की है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने स्नेहर पुरुष योजना शुरू की है यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे CM ममता बनर्जी हैं और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में ही है। सुंदरवन नेशनल पार्क एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस टेक्निकल कंपनी ने भारत में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए बैंक टू बिजनेस सॉल्यूशन बुक्सा लॉन्च की है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बैंक टू बिजनेस सॉल्यूशन बुक्सा लॉन्च की है यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO सत्य नडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में सैमसंग इंडिया ने किस राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु सरकार को सैमसंग इंडिया ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात आती है तमिलनाडु, तो मैप में देखते हैं तमिलनाडु कहाँ है। ये है मैप में तमिलनाडु, तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे CM के पलानवी स्वामी और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनजीत सिंह वालिया का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह टेबल टेनिस से संबंधित थे यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।